तो मेरे भाई बहन, मेरे कृष्ण जैसा कौन हो सकता है? उन पर भी झूठा इल्जाम लगा कि उन्होंने मणि के लालच में जब मणि का झूठा लालच, चोरी का लालच उन पे लालचन लगा, कलंक लगा, तो श्री कृष्ण सोचने लगे, लो और तो अब तक कोई चोर कहता था, कोई ये कहता था, कोई वो, अब ये चोर अब तो पक्का ही हो गया, कलंक लग गया। तो ठाकुर जी स्वयं उस मणि की तलाश में जाते हैं और जामवंत जी को युद्ध में हराकर सुखदेव जी कहते हैं, राजन स्वयं उस मणि को लेकर आते हैं। ना सिर्फ अकेले उस मणि को लेकर आते हैं, अपितु उस मणि के साथ साथ मेरे ठाकुर जी सत्यवामा के साथ जामवंती के साथ में भी ब्याह करते हैं और सत्राजित जो है वो सत्यवामा जी का भी विवाह श्री कृष्ण के साथ में कर देते हैं। आठ विवाह अलग अलग करते हैं। एक दुष्ट है जिसका नाम है भौमासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंदी बना रखा है। बंदी गृह में बंदी बना रखा है। जब नारद जी के द्वारा यह संदेश श्री कृष्ण को मिला तो श्री कृष्ण उस भौमासुर को मारने के लिए उसके पास में गरुण पे सवार होकर पहुंचे और उस दुष्ट को मार दिया। और जब उस दुष्ट को मारा तो श्री कृष्ण ने उन देवियों से, उन कन्याओं से कहा, अरे कन्याओं, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। तब वो कन्याएं कहती हैं, अब हम कहां जाएं, हमारे लिए कोई जगह है क्या? अरे तुम्हारे मां बाप हैं, तुम्हारा परिवार है, वहां जाओ। बोले, अब हमारा परिवार हमारा नहीं है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों बोलती हो? बोले, महाराज जिस कन्या को घर से दूर रहते हुए किसी को महीने, किसी को 10 महीने, किसी को साल 10 साल हो गई, क्या उन्हें कोई घर में स्वीकार करेगा? ये हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी प्रॉब्लम है रीति रिवाजों की। अगर बेटी एक रात के लिए भी घर से निकल जाए तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, और बेटा कितने दिनों के लिए भी बाहर चला जाए उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। उठाता है भाई, चरित्र तो बराबर होना चाहिए ना, है? करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो वो तो सबके लिए होना चाहिए, अकेली कन्याओं के लिए क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी है। तो वो कन्याएं कहती हैं, महाराज एक बात बताओ, हम कहां जाएं, हमें स्वीकार कौन करेगा, कौन हमें अपना मानेगा, क्या हमारा वरण कोई करेगा? हमारा जब वरण नहीं करेगा तो हम पर हमारी उदर पूर्ति कैसे होगी? हम पर एक दो ही रास्ते हैं, एक या तो सुसाइड कर ले, दूसरा कुमार्ग पर चले जाएं, अधर्म के मार्ग पर चले जाएं। अब एक बात है, यहां भगवान का जो लीला का कारण है, प्राकट्य का कारण है, वो क्या है? भगवान की लीला प्राकट्य का कारण क्या है? धर्म की स्थापना। और जब भगवान के प्राकट्य का कारण धर्म की स्थापना है और ये कह रही है कि हम कुमार्ग पर चले जाएं, तो अधर्म की स्थापना होगी। और अधर्म हो ये मेरे कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे। तो कृष्ण ने पूछा, आप क्या चाहती हो? बोले, हे मधुसूदन, हमने सुना है जब दुनिया वाले ठुकरा दे तो आप उन्हें स्वीकार कर लेते हो, क्या हमें आपके चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा? दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया जिनको ठुकरा देती सीने से लगाए जाते। आज सभी लोग इस बात को बड़े ध्यान से सुन लो, तुम कभी मत कहना कि तुम अकेले हो, तुम कभी मत कहना। बहुत से लोगों को मैंने सुना, मुसीबत में मैं कल्ला पड़ गया, महाराज साडा कोई नहीं है,
हम बे तेरा कोई नहीं है, तुसी कुछ नहीं कर सकते, हुन तुसी सुसाइड कर लो। अभी एग्जाम आने वाले, बच्चे इतने कमजोर होते हैं, बोले फेल हो जाते हैं, फेल हो गए तो बोले सुसाइड कर लो। अब पास हो गया, फेल होने के बाद सुसाइड करने के बाद क्या तू पास हो जाएगा? अगर तुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो याद कर उसे। अगर तू उसे याद करेगा न सिर्फ एक एग्जाम में वो तुझे पास करेगा, वो तुझे जिंदगी के एग्जाम में पास कर देगा। मेरा भाई जिंदगी के एग्जाम में जिस दिन तू पास हो गया ना, और वो उसकी कृपा के बगैर संभव नहीं है, वही कर सकता है। ये दुनिया वाले तो फेल करने के चक्कर में है, तेरे पड़ोसी छोड़ तेरे घर वाले भी वो भी चक्कर में रहते, तेरे तिजोरी की चाबी उनके पल्ले कब पड़े, तेरा ब्लैंक चेक कब हाथ पड़े जिस पे सिग्नेचर हो रहे पर टोटल ना लिख किया हो, चक्कर में रहते। बहुत से लोग तो हंस रहे, बोले हम पे तो कुछ है ही नहीं, बोले वो तुझे धक्का मारने को तैयार डोल रहे फिर कि बाहर निकल, राधे राधे बोलना पड़ेगा। यू कांट फेल अनलेस यू लीव, यू कांट फेल। तुम तब तक फेल नहीं हो जब तक तुम अपने मन से अपने आप को हारा हुआ घोषित ना कर दो। और याद रखना, पास होने के लिए तुझे बार बार प्रयास करना होगा, तुझे आगे बढ़ना होगा, तुझे मेहनत करनी होगी, और मेहनत तुझे भगवान पर विश्वास करके करनी होगी। जब तू भगवान पर विश्वास करके मेहनत करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी मेरे भाई, निश्चित तौर पर तेरे कदम चूमेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कहा क्या चाहिए? बोले महाराज आप ही के चरणों में जगह चाहिए, और मिल गई। वो 16,100 के साथ में विवाह कर लेता है, किसके लिए? बोले धर्म की स्थापना के लिए। किसके लिए? बोले धर्म की रक्षा के लिए। अब बताओ ढूंढने जाओगे तो मिलेगा कोई ऐसा दयालु? वो विवाह अपने लिए नहीं करता है, वो विवाह धर्म की रक्षा के लिए करता है, वो दूसरों की भावना को पूर्ण करने के लिए करता है। और इसी को वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान आप लोग कह सकते पूर्ण ब्रह्म है। इन्हीं कथाक्रमों के साथ में प्रसंग बहुत हैं। राजा नरक की कथा आती है, जिसने इतना दान दिया, इतना दहेज, इतना दान देते थे तो वो ब्राह्मणों को, साधुओं को, अतिथियों को, गौ दान देते थे सोने के सींग मड़वाकर, खुर सोने के मड़वाकर, लेकिन वो गिरगिट बन गए। गिरगिट क्यों बन गए? उनसे गलती हो गई, ये कथा मैं आपको बार बार सुना चुका हूं। उनसे गलती क्या हुई वो आप सब जानते हैं, कि एक गाय उन्होंने दो बार दान में दे दी। याद रखिए मेरे भाई बहन, दान देते रहो पर दान में झूठ मत इन्वॉल्व करो। आजकल लोग दान में भी झूठ बोलने लग गए, कहते कुछ है करते कुछ है, और ये एक दुख का कारण है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई दान न दे तो ऐसे आयोजन हो सकते हैं? अगर कोई दान न दे तो तुम्हारे तीर्थों का निर्माण अच्छे तरीके से हो सकता है? अगर तुम दान, कोई दान न दे तो तुम्हारे देवी देवताओं के मंदिर बनेंगे? अगर कोई दान न दे तो तुम्हारी भावनाओं को सुख देने वाले, तुम्हारे भावनाओं को पूर्ण करने वाले वो परमात्मा की गाथाएं तुम्हारे श्रवणों तक पहुंचेंगी? तुम 1,000, 2,000, 10,000, 10,00,000, 20,00,000 रुपया दान देते हो तो अपने आप को दानी कहते हो, लेकिन वो कथाकार कितने बड़े दानी हैं जो भगवान की कथा तुम्हें दान देते हैं और तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वो संत कितने बड़े दानी हैं जो एक शब्द से तेरा जीवन बदल देते हैं। अगर दान रुक जाएगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूं पृथ्वी का निर्माण रुक जाएगा, सृष्टि का निर्माण रुक जाएगा, धर्म का उत्थान रुक जाएगा, तेरा कल्याण रुक जाएगा। दान तो देने की चीज है, और कलयुग में तो दान ही एक मार्ग है, इससे पीछे नहीं आगे बढ़ना चाहिए।
पीछे वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन में बैठे हो तो भगवान ने किसी लायक बनाया होगा आपको है, और फिर भी हुण महाराज तुहानू की दसीए, तुसी जानदे नहीं हो। यहां मैं दान देने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आपको आपकी औकात दिखा रहा हूं कि मेरे ठाकुर ने तुझे इस लायक बनाया है। लेकिन जब तेरा मुंह फिरता है ठाकुर की तरफ से तो वो भी मुस्कुराता है और कहता है, वारे जीव, मैंने तो तुझे इंसान बनाया था, तू इंसान बनते बनते क्या बन गया वो अपने आप डिसाइड कर ले। राजा नृग जो है वो गिरगिट इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने एक गाय गलती से दो बार में दान में दे दी, इसलिए गिरगिट बने। लेकिन दान का फल क्या निष्फल गया? बोले नहीं, उसी दान का प्रभाव था कि उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। वो दान न देते तो शायद दर्शन नहीं होता, और उन्हीं की दर्शन जब हुआ तो उनका कल्याण हुआ। कथाक्रम में एक प्रसंग आता है, कथाएं तो बहुत है ठाकुर जी की, अनेकों राक्षसों का उन्होंने वध भी किया है, द्वारिका में रहकर भी वध किया है। महाभारत के समय की भी बात वहां पर वर्णन की गई है भागवत में, और उसमें जब धर्मराज राजसी यज्ञ करते हैं तो भगवान कौन सी सेवा स्वीकार करते हैं, भगवान कौन सी सेवा करते हैं। आज हमारे धर्म की प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि आजकल सब लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, सेवक बनना कोई नहीं चाहता। सबको गले में माला पहननी है। मैं अभी एक जगह गया था, वहां एक दूसरे को माला पहनाने का ही काम चल रहा था। वो उसको माला पहना दे, 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 और वहां दो चार साधु बैठे थे, वो चुपचाप देख रहे थे। जो माला साधुओं को पहनानी चाहिए वो माला उन एक दूसरे को पहनाई जा रही थी और साधु चुपचाप देख रहे थे। मैं भी बैठा था वहां, अब मैं थोड़ी लड़ता, अब मैं ठीक है भाई पहन लो, खुश हो लो। अब मुझे बुरा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने तो अपनी आदत बदल ली, अब मैं माला पहनता ही नहीं, मैंने तो अपनी आदत बदल ली भाई, माला पहनने का शौक उतार दे भाई, बंद करो। लेकिन मुझे तब बड़ी हंसी आई, मैंने जो मालाएं भगवान के चरणों में पहनाई जानी चाहिए, साधु संतों का स्वागत करना चाहिए, वहीं एक दूसरे को बोले ये कौन है, बोले फलाने साहब, ये कौन है, बोले फलाने ढिमका साहब, ये कौन है, बोले कि जब तक तुम माला पहनने का शौक नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारी रति माधव के चरणों में कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। पहले इससे निवृत्ति पाओ, यह भी मोक्ष की एक शक्ति है कि तुम्हें मोह ना हो कि लोग मेरा सम्मान करें। काय को सम्मान करें, इच्छा रखो कि लोग भगवान का सम्मान करें, अपने धर्म का सम्मान करें, और उस धर्म के कर्म को करने में हमें भगवान सबसे आगे रखे। लेकिन ऐसा भाव कलयुग के हिसाब से बदलता जा रहा है, आजकल लोग जो है बदलते जा रहे हैं। परंतु फिर भी जो यहां कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे तो मैं निवेदन कर सकता हूं, आप पे मेरा अधिकार है, कोशिश करना माला पहनाने की, माला पहनने की कोशिश मत करना, कोशिश करना सेवा करने की, करवाने की कोशिश मत करना, कोशिश करना सबकी आगे, सबको बेटा पीछे खुद बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये भाव लाओ, यही सखी भाव है, यही गोपी भाव है, यही श्रद्धा भाव है, और जब तक यह नहीं होगा आप कृष्ण के लायक नहीं है। मेरे भाई श्रोतागण, कृष्ण की सेवा देखिए, वो सबके चरण धोने की सेवा कर रहे हैं। किसकी? बुरे से बुरे राजा, एक से एक बुरा राजा वहां आया हुआ है, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं? बोले सबके चरण धो रहे हैं। मिलेगा कोई ऐसा? तुम अपने मां बाप के चरण नहीं धोते, तुम अपने सास ससुर के चरण नहीं धोते, तुम अपने गुरुजनों के चरण नहीं धोते, लेकिन देखिए तुम्हारा जगतपति परमात्मा सर्वेश्वर कृष्ण सबके चरण धोकर सबको सेवा का भाव प्रदान करता है, सबको कहता है सेवा
परम धर्म है। जो जीव सेवा करता है उसे गोविंद की प्राप्ति होती है। सेवा करके तुम छोटे नहीं, सेवा करके तुम बड़े होते हो, और जितनी छोटी सेवा उतने महान होते हो। पहले साधु संत न पत्तल पे बैठ के खाते थे, तो राजा और रानियां अपने हाथों से वो झूठी पत्तल उठाते थे अपने हाथों से। और आजकल के राजा रानी की बात छोड़ो, साधु संत नहीं खाते, उससे पहले ही प्लेट लेके, अरे तेरे घर में आए भाई, कछु तो शर्म कर, पहले हमें खवा ले फिर खा लियो। तू द्वार पे आया हुआ अतिथि, महाराज शुरू करो ना, कि शुरू करो, क्या शुरू करो? बोले महाराज शुरू करो ना, खुश शुरू है कसम से। अब महाराज का शुरू करे, तू तो ऑलरेडी महाराजा तो विदा कर दे। ये हमारा अदब है, ये हमारी तमीज है। किसी को घर पे बुला के पहले पेट फुल, हाउस फुल, बोले बच्चा आई महाराज तो उसी भी ले लू थोड़े से। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको आपकी परंपरा सिखा रहा हूं, और आप सीखो ना सीखो, लेकिन अगर आपके बच्चे आए हैं तो वो जरूर सीखेंगे। और जितने भी यहां बच्चे बैठे हैं, माँ बाप पर ध्यान मत देना, तुम सीखना इस बात को कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। ये अदब है। साधु संत ब्राह्मणों को छोड़ो, अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार भी अतिथि बनकर तुम्हारे घर में आए तो पहले उसे खिलाओ, बाद में खुद खाने बैठो। यही सदगृहस्थी का नियम होना चाहिए। हाँ, वो ज्यादा फोर्स करे तो ठीक है, उसके साथ बैठ, लेकिन साधु ब्राह्मणों के साथ मत बैठना कभी, महात्माओं के साथ बैठकर खाना मत खाना कभी, भोजन मत लेना, प्रसाद मत लेना। बोले क्यों, पाप लगेगा? बोले पाप नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। पाप तो नहीं लगेगा पर अच्छा नहीं लगेगा। अब क्यों अच्छा क्यों नहीं लगेगा? बोले हमारे यहां सिखाया जाता है साधु संतों की झूठन खाओ, और आजकल उनको झूठन खिलाई जाती है। शायद मैं कई लोगों का बुरा बन जाऊं आज के बाद, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो तुम्हारी नजर में बुरा ही बनना है, मुझे तो मेरे ठाकुर की नजर में अच्छा बनना है। बस तुम्हारी नजर में बुरा ही सही हूं मैं अच्छा था ही कब? आपकी नजर में तो बुरा ही हूं, अभी भी बुरा हूं। लेकिन आपके बच्चों ने अगर एक बात भी सीख ली, और दो चार लोगों ने भी नियम का पालन करना सीख लिया, तो यकीन मानिए वो बच्चों का जीवन सुधर जाएगा, उनका बेड़ा पार, उनका कल्याण हो जाएगा। साधु संत नहीं है वहां, हैं तो अलग हैं, छोटे छोटे राजा, बुरे बुरे राजा, इवन दुर्योधन जैसा लोग वहां मौजूद है, और दुर्योधन के चरण से कृष्ण धो रहे हैं। ये सेवा है, और जितनी छोटी सेवा तुम करोगे उतने ही महान बनोगे। अजय एक बात बताओ, निर्धन आदमी अगर पत्तल उठाए तो बड़े लोग कॉलर ऊपर कर लेते हैं, हाँ ये यार इसके अलावा कर ही क्या सकता है, वो उदाहरण नहीं बन सकता। लेकिन जो बड़ा आदमी धनवान अगर किसी की पत्तल उठाए, वो भी निर्धन की पत्तल उठाए भंडारे में, लंगर में, तो वो एक उदाहरण बन जाता है। वो ऐसा उदाहरण जिससे 10-20 हजार लोग शिक्षा लेते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने अपने आप को उदाहरण बनाया तुम्हारे आगे। देखो तुम मुझे भगवान कहते हो तो मैं इनके चरण धोने से भी पीछे नहीं हट रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लोग कथा सुनते हैं और अपने मतलब के लायक, फायदे के लायक अर्थ निकाल कर घर चले जाते हैं। जो सिखाया जाता है उसे नहीं सीखते हैं, वो अपने हिसाब से ही सीख कर निकल जाते हैं। अपने हिसाब से मत सीखो, धर्म के हिसाब से ही सीखो। इसीलिए वहां के साधु संत, वहां अनेकों भक्त विराजमान, और वो एक बात हमेशा गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।